हर इंसान बालों को लंबा करना चाहता है, हर इंसान बालों को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? ऑफकोर्स शैम्पू रोज करने से होते हैं। और एक और तरीका बताता हूँ, ये ना पुदीना जिसको हम लोग कहते हैं मिंट, जब आप मिंट खाते हैं क्या होता है, हमारे गले के अंदर ठंडक आती है, हमारे मुंह के अंदर एक मिंट की आती है ना, एक अच्छा फील करते हैं। यही चीज मैं बालों पे लगा रहा हूं, तो मैंने मिंट को पीस लिया है, मैंने पुदीने को पीस लिया है। और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं डाल रहा हूं ये कोकोनट ऑयल। बोला इसको क्या करेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, अब इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। और हमने इसका क्रिएट किया ये एक पेस्ट, खाने लायक आप इसको खा सकते हैं, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है और आपको महसूस होगा कि ये ठंडक महसूस हो रही है। और इसको मैं लगाता हूं जैसे हम लोग लगाते हैं डाई। और मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है हम बालों को ग्रो करा रहे हैं। मतलब ग्रो कहां से होते हैं, हमारे स्कैल्प से होते हैं, हम लोग उसको ग्रो करेंगे स्कैल्प से कम जैसे डाई लगाते हैं सेम तरीका है। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया पुदीना, मैंने लिया एक कोकोनट ऑयल, मैंने उसका पेस्ट बनाया है और बालों पे लगाना शुरू किया। हमारे बाल लंबे हो जाएंगे, हमारे बाल स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब बाल हमारे स्ट्रांग होते हैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी खिल जाती है। तो बालों को खिलाने के लिए आई थिंक ये पुदीना बहुत ज़रूरी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ प्लीज़, हैं लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं ये मुंडन की आफ्टर केयर होती क्या है, जब मुंडन में बाल ही नहीं होंगे तो आफ्टर केयर कैसी होगी? तो प्लीज़ हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन मुझसे मत पूछिए, मुंडन की कोई आफ्टर केयर नहीं होती। जब एक बार मुंडन हो जाएगा आप बालों में मॉइस्चराइज़र लगाइए, आपके बाल अपने आप ही अच्छे निकलने वाले। सो बालों की ग्रोथ का एक बहुत आसान तरीका पुदीना प्लस कोकोनट ऑयल। और इसको छोड़ देंगे हम लोग कम से कम 10-15 मिनट के लिए, फिर हम लोग करते हैं नॉर्मल शैम्पू या नॉर्मल रिंस करते हैं। ओके सो मिलते हैं स्ट्रॉन्ग बालों के साथ एंड बालों की ग्रोथ के साथ। बट प्लीज़ हाँ, ये हमारा ये जो है ना ये मुंडन, प्लीज़ डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। चीयर्स।